नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हर भारतवासी सोच रहा था कि हम चैंपियन बनने जा रहे हैं, फिर जीतेंगे, 12-0 को 13-0 करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, 12-1 का स्कोर हो गया। पाकिस्तान की शुरुआत हो गई, और वो भी शुरुआत इतने चैंपियन की तरह उन्होंने की है, चैंपियन की तरह दहाड़ लगाई है कि जिससे मुझे लगता है भारत ही नहीं बल्कि तमाम टीमें जो हैं इस वक्त दुनिया भर की सहम गई होंगी इस दहाड़ से। ये दहाड़ लगाई बाबर आजम ने, ये दहाड़ लगाई शाहिनशाह अफरीदी ने, ये दहाड़ लगाई मोहम्मद रिजवान ने, और तीनों ने काम तमाम कर दिया अभी भारतीय टीम का इस मुकाबले में। और वर्ल्ड कप में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, और 10 विकेट की जीत। जी हाँ, 10 विकेट से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 विकेट से हम जीते हैं। जी हाँ, 10 विकेट से हम लोग जीते, यानी पाकिस्तान जीता और भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। और जो हमने सुना था कि आज के दिन चांद का बड़ा महत्व होता है, और शायद ये चांद भारत के लिए खुशियों का पैगाम लेकर नहीं आया, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। और चलिए, कोई भी मैच में जीत हार होती है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है,